गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है। हम कई बार सेंटेंस बोलते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद लगाएं क्या, हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आती कि ये इसका क्या मीनिंग निकलेगा। जैसे रहा है के लिए क्या मीनिंग आएगा, एक तो मैं आऊंगा, मुझे आना होगा, मुझे आना पड़ता है, मैं तुमसे मिलता हूँ, मैं मुझे तुमसे मिलना पड़ता है, मुझे तुमसे मिलना है। ये सेंटेंस क्या है? मुझे तुमसे मिलना है, ये भी प्रेजेंट है। मुझे तुमसे मिलना पड़ता है, ये भी प्रेजेंट है। और मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे मिलता हूँ, ये भी प्रेजेंट है। तो इनके अंदर अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे हमारी सारी जो ये वर्ब्स दे रखी है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैवड, डू, डज, डिड, विल, शैल, शैल बी, या विल हैव, शैल हैव, शुड, मस्ट, शुड बी, मस्ट बी, या शुड हैव, मस्ट हैव, इस प्रकार से हैज, हैव टू, जितनी भी हैं ये सारी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर का मीनिंग क्या होता है या हो। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे हंस रहे हैं, वह खेल रहा है, और तुम विद्यालय जा रहे हो, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें। अब इनका भी, इज, एम, आर का भी अलग अलग, जैसे एक तो तुम स्कूल जा रहे हो, यह एक टेबल है। अब यह एक टेबल है, इसमें किसी प्रकार की कोई वर्ब नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये किसी वस्तु की स्थिति को बता रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है ये। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे थर्ड पर्सन, अब इज, एम और आर है, इनको किस किस के साथ यूज किया जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन। इट यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ही, शी, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज आएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो होते हैं, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, तो आई के साथ क्या आएगा? एम का प्रयोग होगा। उसके बाद बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ किसका? आर का प्रयोग। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, बाकी सबके साथ आर का प्रयोग होगा। आइए इनका प्रयोग देखते हैं। यहां देखिए, पहला इज, एम, आर का जो पहला प्रयोग है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति की जानकारी देने के लिए, सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति की जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था की जानकारी देने के लिए, कैसे? वह घर पर है, वह घर पर है, इसमें वो कोई काम नहीं कर रहा है, वह घर पर है, ये उसकी अवस्था है, उसकी जो स्थिति है, कहां पर है वो, उसकी क्या स्थिति है, उसको बता रहा है। ही इज एट होम, वह घर पर है, मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, तुम मेरे साथ हो, यू आर, तुम हो, विद मी, मेरे साथ, यू आर विद मी। यानी जो स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपको हर सेंटेंस में याद रखनी ही है, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन किस प्रकार का मीनिंग शो करने के लिए आप वर्ब यूज कर रहे हैं, वो वर्ब का आपको ध्यान रखना है, वो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा, पहला तो हो गया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति को शो करने के लिए, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वह खेल रहा है, वे दौड़ रहे हैं, वह आ रहा है, जा रहा है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको शो करने के लिए। जैसे वह खेल रही है, शी, शी के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का, शी इज प्लेइंग। आप घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं कहाँ? होम, घर पर, यू आर गोइंग होम। गोइंग होम या गोइंग टू होम, दोनों ही सही है, गोइंग टू होम, यानी किसी स्थान की ओर जा रहे हैं तो उस स्थान से पहले क्या लगता है? टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो हम गोइंग टू होम भी इसमें लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा इसका जो प्रयोग है वो इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो पैसिव वॉइस होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्टिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ है, सीआईएस होता है, उसको किस में चेंज करते हैं? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वहां पर जैसे उसे भेजा जाता है, इसमें सब्जेक्ट काम करता नहीं है, सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है, सब्जेक्ट काम करता नहीं, उससे करवाया जाता है, तो प्रेजेंट सिंपल में काम करवा
करवाया जाता है उसको शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज एमआर का, उसे भेजा जाता है, ही इज सेंट, उसे भेजा जाता है, ही इज सेंट। अब उसे भेजा जाता है, काम करवाया जाता है, यानी पैसिव है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव में, या एक्टिव नहीं है। अगर एक्टिव होता तो फिर तो हेल्पिंग वर्ब इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है काम करने के लिए, लेकिन ये पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे एक किताब दी जाती है, शी इज गिवन ए बुक, उसे एक किताब दी जाती है, उसे दी जाती है। पहले क्या का जो आंसर है, क्या दिया जाता है, किताब, ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो, उसे दी जाती है, शी इज गिवन, शी इज गिवन, शी के साथ इज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए बुक, मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, आपको देखा जाता है, यू आर सीन, हमें प्रताड़ित किया जाता है, वी आर टॉर्चर्ड, वी आर टॉर्चर्ड, उन्हें दोषी ठहराया जाता है, दे आर ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है दोषी ठहराना, ब्लेम मतलब दोष लगाना किसी पर, दोषी ठहराना किसी को, तो ब्लेम्ड यानी दोषी ठहराया जाता है, दे आर ब्लेम्ड, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। ये इसके इज एम आर के हमने तीन प्रयोग देखे। अब देखिए वाज और वर कहाँ आता है, इज एम आर के प्रयोग जो है वो एक बार आपको उनको फिर से रिपीट, बार बार जब उनको रिपीट करेंगे तो आपको अपने आप ये समझ में आने लगेगी ये चीज कि हाँ इनका प्रयोग इस प्रकार से हो रहा है, हम ये सेंटेंस बोलें तो हमें इज एम आर लगाना है। इसकी प्रैक्टिस हम आगे प्रैक्टिस सेट्स में करेंगे। वाज वर्ग का प्रयोग, वाज वर्ग का मीनिंग क्या होता है, था, थे, थी। यहाँ एक टेबल था, हेयर इज, हेयर वाज ए टेबल, यहाँ एक टेबल है तो हेयर इज ए टेबल, यहाँ एक टेबल था, हेयर वाज ए टेबल, यहाँ एक टेबल था। हाँ अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से तो इज आता है, और यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो आई तो क्या आएगा, वाज आएगा, यानी ही शी इट आई और सिंगुलर नाउन के साथ किसका, वाज का प्रयोग किया जाता है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे यू है, वी है, दे है, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर आता है। वो घर पर था, ही वाज एट होम, जैसे वह घर पर है तो ही इज एट होम, वह घर पर था तो ही वाज एट होम, वह स्कूल में थी, शी वाज इन स्कूल, उस दिन राहुल मेरे साथ था, राहुल मेरे साथ था, राहुल वाज विद मी, राहुल वाज विद मी, दैट डे उस दिन, राहुल उस दिन मेरे साथ था, राहुल वाज विद मी दैट डे, मैं वहां था, मैं था, आई वाज, मैं था, देयर वहां, मैं वहां था, आप वहां नहीं थे, यू वर नॉट देयर, नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा वाज वर्ब के साथ, हम उन दिनों गोवा में थे, हम गोवा में थे, वी वर इन गोवा, हम गोवा में थे, वी वर इन गोवा, कब, दोज डेज, उन दिनों, हम उन दिनों गोवा में थे, वी वर इन गोवा दोज डेज। आगे के इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस दूसरा प्रयोग है ये वाज वर्ब का सेकंड यूज। तो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में किसका यूज करते हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस होंगे उसमें वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसमें क्या होता है, किसी काम को किया गया किसी के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे उसे बताया गया, किसने बताया ये नहीं पता, काम किसने किया ये नहीं पता, लेकिन बताया गया, तो ही वाज टोल्ड, उसे बताया गया, और ऐसे कहें कि उसे राम के द्वारा बताया गया, ही वाज टोल्ड बाई राम हो जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट है जिसने काम किया, बताने का काम किया किसने किया, राम ने किया, तो पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और उससे पहले बाई आता है, तो उसे बताया गया, ही वाज टोल्ड, उसे एक मोबाइल दिया गया, He was given a mobile. ये जो एक्टिव से पैसिव, पैसिव के सेंटेंस की स्ट्रक्चर और एक्टिव के सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ये आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना जहां बताया गया है वहां पर हमने इसको किया हुआ है। She was given a mobile. She was given a mobile. उसे एक मोबाइल दिया गया। हमें डांटा गया। We were scolded. We were scolded. Scold mean क्या होता है? डांटना, और scolded इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी।
हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा डांटा गया, वी वर स्कोल्डेड बाई अवर टीचर्स, वी वर स्कोल्डेड, हमें डांटा गया बाई अवर टीचर्स, हमारे टीचर्स के द्वारा। आइए आगे, इन पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर्ब का तीसरा प्रयोग इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा था, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और मैं पढ़ा रहा था यानी किसी दूसरे टाइम किसी काम के समय मैं पढ़ा रहा था, तो वो पढ़ा रहा था पास्ट में कोई काम कर रहा था, तो वो क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, जैसे वह सो रहा था, ही वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आई एन जी आता है, ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था, वह रो रही थी, शी वाज वीपिंग, शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी, मैं हंस रहा था, आई वाज लाफिंग, आई वाज लाफिंग, आप घर जा रहे थे, यू वर गोइंग, यू वर गोइंग, आप जा रहे थे घर, आप घर जा रहे थे, एट होम भी लगा सकते हैं, टू होम भी लगा सकते हैं, हम आपके साथ खेल रहे थे, हम आपके साथ खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे विद यू, आपके साथ, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे विद यू, आपके साथ, इस प्रकार के जो सेंटेंस है जिनमें पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट में कोई काम चल रहा था, हो रहा था, या सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा था, तो वहां पर वाज वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगा देंगे वर्ब की। हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है, हैज हैव, देखो हैज हैव का मीनिंग क्या है, पास है, जैसे मेरे पास 50 रुपये हैं, आई हैव 50 रुपीज, में है, किसी में कोई चीज होना, किसी के अंदर कोई चीज समाहित होना, कंटेन होना, उसके लिए, भाई बहन, जैसे मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, चुका है, चुके हैं, चुकी है, वह पढ़ चुका है, वह स्कूल जा चुका है, किसान फसल काट चुके हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, यानी एक तो पास में है कोई चीज उसको शो करने के लिए, पजेशन के लिए हैज हैव का प्रयोग, या में है, किसी के अंदर कोई चीज कंटेन है उसको शो करने के लिए हैज हैव का प्रयोग, भाई बहन बताने के लिए, या फ्रेंड्स बताने के लिए, या चाहता हूँ मान लो कोई भी चीज मेरे पास इतने हैं, ये बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हैज हैव का प्रयोग, या फिर वाक्य के अंत में कोई काम ऐसा हो जो अभी भी पूरा हुआ है, पूरा हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है, वो अभी भी जो पूरा हुआ है, उसके लिए हम किसको हैज हैव लगाएंगे। देखिए इसमें अब हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, या फिर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही शी इट, ही शी इट, इनके साथ हैज आएगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी हैज आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई के साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा, ये भी ध्यान रखना है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, आई है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ क्या आता है, हैव आता है, आई यू वी दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो, या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, तो उस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। इन सिंप अब इसके हैज और हैव के प्रयोग देखते हैं, पढ़ते हैं इनको। पहला, इन सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों में इसका प्रयोग, पास में है कोई चीज, टू शो पजेशन, पजेशन को शो, अधिकार व्यक्त करने के लिए किसी चीज पर, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, ही हैज ए पेन, उसके पास किताबें हैं, शी हैज बुक्स, मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, आपके पास पैसा है, यू हैव मनी, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, बहुत सारी, लॉट्स ऑफ, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, वी हैव, हमारे पास है, वी हैव, हमारे पास है, यू हैव, तुम्हारे पास है, आई हैव, मेरे पास है, शी हैज, उसके पास है, ही हैज, उसके पास है, तो इनको किसी के पास में कोई चीज़ है, इस बात को शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, यानी पजेशन को शो करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, हाँ,
दूसरा इसका प्रयोग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, जिसका पूरा होना, प्रेजेंट टाइम में काम पूरा हो चुका है, वह जा चुका है, वह खेल चुकी है, वह भोजन पका चुकी है, वे मैच जीत चुके हैं, यानी कोई काम पूरा हो चुका है, उसको शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे वह स्कूल गया या जा चुका है, वह स्कूल गया या वह स्कूल जा चुका है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। आगे स्थान का नाम टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। वह वहां रह चुकी है, वह वहां रह चुकी है। शी हैज लिव्ड, शी सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी हैज लिव्ड देयर, मैं उस लड़के के साथ खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड विद दैट बॉय, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ किसके साथ? विद दैट बॉय, उस बॉय के साथ। तुम मेरी माँ से मिल चुके हो। यू हैव मैट, मीट की थर्ड फॉर्म मैट। यू हैव मैट, तुम मिल चुके हो माई मॉम, मेरी मदर से। आगे देखिए, इसका आगे का जो प्रयोग है वो हम देखते हैं। मे है किसी के अंदर कोई चीज होना, टू कंटेन विद इन, किसी के अंदर कोई चीज होना, कंटेन, जैसे उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। तो ही हैज पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता, कैपेसिटी। ही हैज पोटेंशियल, ही हैज कैपेसिटी टू डू समथिंग। ही हैज कैपेसिटी या ही हैज पोटेंशियल, उसमें क्षमता है क्या? टू डू समथिंग, कुछ करने की। मुझ में जोखिम उठाने का साहस है। आई हैव करेज, मुझ में साहस है। किसका? टू टेक रिस्क, रिस्क लेने का। आपके अंदर एक बहादुर दिल है। यू हैव, आपके पास है क्या? ए ब्रेव हार्ट, एक बहादुर दिल। आपके पास है एक बहादुर दिल। यू हैव ए ब्रेव हार्ट, यू हैव ए ब्रेव हार्ट, इस प्रकार से हम शो करेंगे। और आगे ये बताने के लिए कि कितने भाई बहन दोस्त चाचा ताऊ ये सब हैं। टू मेंशन द नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स एटसेट्रा, उसके दो भाई हैं। ही हैज टू ब्रदर्स, ही हैज, उसके पास है क्या? टू ब्रदर्स, उसकी तीन बहनें हैं। शी हैज थ्री सिस्टर्स, मेरे दो चाचा हैं। आई हैव टू अंकल्स, आपके पास दो दोस्त हैं। यू हैव टू फ्रेंड्स, आपके पास दो दोस्त हैं। यू हैव टू फ्रेंड्स, यू हैव, तुम्हारे पास है क्या? टू फ्रेंड्स, पजेस यानी रिलेशन बताने के लिए कि कितने हैं, ये शो करने के लिए किसका? हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। अब हैज हैव और इसके बाद हैड, हैड यानी पास में था। जैसे मेरे पास एक पेन है तो किसका प्रयोग करते हैं? आई हैव ए पेन, हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे पास पेन था तो आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था, आई हैड ए पेन, उसके पास किताबें थी, शी हैड बुक्स, मेरे पास कुछ था, आई हैड समथिंग, आपके पास पैसा था, यू हैड मनी, आपके पास पैसा है तो यू हैव मनी, आपके पास पैसा था तो यू हैड मनी, हमारे पास बहुत सारी किताबें थी, वी हैड लॉट्स ऑफ बुक्स, अगर किताबें है ऐसा हो तो वी हैव लॉट्स आएगा, और अगर किताबें थी तो वी हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। पास्ट की बात करने के लिए हैड और प्रेजेंट की बात करने के लिए हैज हैव। अब आगे इसका प्रयोग है इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट में दो घटनाएं हुई, पास्ट में दो काम हुए, दो एक्शन संघटित हुए, एक पहले और एक बाद में। तो जो प्रेजेंट में जो पहले होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पास्ट में दो एक्शन हुए, उनमें से एक पहले हुआ, तो जो पहले हुआ वो कब आएगा? वो आएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट में, पास्ट में दो कार्य, पास्ट में दो कार्य हुए, एक पहले और एक बाद में, एक बाद में, एक पहले हुआ एक बाद में। तो पहले वाला जो कार्य है, पहले वाला कार्य किस में आएगा? हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले वाला कार्य, पहले जो हुआ वो हैड प्लस है, वो खेलने गया, ही हैड गॉन टू प्ले, वह वहां रह चुकी थी, शी हैड लिव्ड देयर, मैं उस लड़के के साथ खेल चुका था, आई हैड प्लेड विद दैट बॉय, तुम मेरी माँ से मिल चुके थे, यू हैड मैट माई मोम, यू हैड मैट माई मोम। हाँ, अब और हैड का प्रयोग, मैं था, जैसे प्रेजेंट में है, मैं है, किसी चीज के अंदर कोई कंटेन है, तो प्रेजेंट में कंटेन है इसको शो करने के लिए हैज है, पास्ट में कंटेन था इसको शो करने के लिए हैड का प्रयोग, उनमें जीतने की तीव्र इच्छा थी, दे हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन, दे हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन, उसमें कुछ करने की क्षमता थी, ही हैड पोटेंशियल टू डू समथिंग, ही हैड पोटेंशियल, उसमें क्षमता थी किसकी, टू डू समथिंग, कुछ करने की, ये बताने के लिए कितने भाई बहन दोस्त आदि थे, तो ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स ये कितने थे, उसके दो भाई थे, ही हैड टू ब्रदर्स, हमारी चार बहनें थी, वी हैड फोर सिस्टर्स, वी